हाँ जी, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 8 में पहले से फैक्टराइजेशन करना सीख रखा हुआ है। देखो, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3A, और एक्सरसाइज 3A के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले, अगर आपको ये एक्सरसाइज ईजी बनानी है ना, तो आपको पेज नंबर 97 में जो भी फॉर्मूले दिए गए ना, उन सभी फॉर्मूले को रट लेना, घोल के पी जाओ, क्योंकि इन फॉर्मूले की हेल्प से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। अगर आपने ये रट लिया ना, तो ये एक्सरसाइज आपको इजी से भी आसान लगेगी, और आखिरी में आपको तो हलवा लगने लगेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम होगा आपका कि सारे फॉर्मूले को रटो, फिर हमारे साथ सॉल्व करना चालू करो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3A के सॉल्यूशन में, और एक्सरसाइज 3A में टोटल हमारे पास है 34 क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है। देखो, इन क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज कैसे किया जाता है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 9x² + 12xy। अब इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा इसका रूल है। इसमें हमें देखना होगा कि हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन कैसे लिया जाता है और क्या लिया जाता है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन ना आप लोगों ने क्लास 8 में बहुत सारे लगाए हुए हैं। ये क्लास 8 वाले ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। देखो, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 12, तो हम लोग सबसे पहले नंबर को देखेंगे। तो नंबर ये जो दो दिख रहे हैं ना, इन दोनों नंबर को देखो और सोचो कि ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है। कोई एक ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों हमारा डिविजिबल है। तो देखो, 9 किसकी टेबल में आ जाता है, 3 की टेबल में, और 12 भी हमारा क्या होता है, 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग इन दोनों से क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। ये बात समझ में आई। हमने सबसे पहले नंबर देखा और ये भी देखा कि ये दोनों किससे डिविजिबल है, भैया 3 से डिविजिबल है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया। अब हमने 3 को कॉमन ले लिया, अब उसके साथ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, बट यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है। देखो, वेरिएबल देखो अगर दोनों में एक जैसे हैं तो उन्हें कॉमन ले लो। ले लिया कॉमन, अब बात आती है 2 को कॉमन ले कि इसमें कुछ नहीं उसको कॉमन ले। हमेशा याद रखना, जिस वेरिएबल में पावर सबसे कम होगी उसी को कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर पावर 2 है तो इसको ना लो, इसको ले लो, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 9x², 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 से क्या होता है 9, तो 3 यहाँ पर आ गया। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारे पास x, यहाँ पर बीच में आ गया प्लस, और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से देखो 3 से ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। और x से x हमारा बाहर आ गया, अब बचा हमारे पास y, ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हो गया 3x + 4y, और यही हो गया इसका सोल्यूशन। है ना कितना सिंपल, बहुत ईजी है। अब इसी तरह इसमें आ जाओ, सबसे पहले हम लोग ये नंबर को देखेंगे। यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर 24 है। अब ये 18 और 24 ना 2 से भी डिविजिबल है, है ना, 2 से डिविजिबल। अब ये किससे डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो हम लोग 2 को ले या 6 को ले, हम लोग बड़ा नंबर लेंगे। जितने भी बड़े नंबर से डिविजिबल होगा उतना बड़ा नंबर हम लोग लेंगे, ठीक है। छोटा नंबर नहीं लेते हैं, बड़ा नंबर लेंगे। तो हमने देखा ये दोनों ना 6 से हमारे डिविजिबल है, तो हमने 6 को बाहर कॉमन ले लिया, क्लियर है। फिर हमने देखा यहाँ पर x लिखा हुआ है, और फिर हमने देखा यहाँ भी x है, तो हमने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमने फिर से चेक किया कि इसमें पावर 2 है और इसमें पावर कुछ नहीं। जब भी पावर कुछ नहीं होती ना वेरिएबल में, इसका मतलब 1 होता है, तो जिसकी पावर कम होती उसी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, वो ले लिया। अब साथ में देखा यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो हमने y को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें पावर सेम है, एक जैसे, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो ये बाहर आ गया। अब जब ये बाहर आ गया ना, तो अब अंदर देखो क्या बचा, 6 से इसको कैंसिल करो, 6 3 जा 18 होता है, तो 3 आ गया। x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x आ गया। y से y कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, माइनस। अब 6 से ये हमारा कैंसिल होगा, 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास z। अब यहाँ पर आ गया 6xy 3x - 4z, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सोल्यूशन। है ना कितना सिंपल। अब आ जाओ इसी तरह तीसरे में, यहाँ पर है हमारे पास 27 और यहाँ पर है हमारे पास 45। अब देखो ये दो नंबर हमारे किससे डिविजिबल है, हम देख पा रहे हैं 27 3 से डिविजिबल है और 45 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बट क्या कोई और ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सके, डिवाइड कर सके, हाँ बिल्कुल है। अगर हम लोग बात करें किसकी, 9 की, तो 9 से ये भी डिविजिबल है, 9 से ये भी डिविजिबल है, तो हम लोग 3 लेंगे या 9, हम लोग हमेशा 3 नंबर लेंगे, सॉरी बड़ा नंबर लेंगे, और बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पर 9, ठीक है। तो 9 को हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। फिर देखा यहाँ पर वेरिएबल a है,
अब इसमें भी ए है, हाँ है, तो यहाँ पर ए को कॉमन ले लिया। अब देखा इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 4 है, तो हमने आपको बताया जिसकी पावर कम होती है उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर 3 पावर कम है तो ये 3 हमने बाहर ले लिया। फिर देखा यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, दोनों में बी है तो बी को हमने कॉमन ले लिया। फिर हमने चेक किया इस किस में पावर कम है, इसमें 2 वाला पावर कम है 3 से, तो 2 को हमने बाहर ले लिया। अब अंदर आ जाओ, अब 9 से इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा भैया, 3 आएगा। अब ए की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा, बी स्क्वायर लिया है, यहाँ पर बी क्यूब है तो एक बी हमारे पास बच जाएगा, बीच में आ गया माइनस। 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 नाइन्जा होता है 45, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 नाइन्जा होता है 45, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ पर ए की पावर 3 है, यहाँ पर ए की पावर 4 है, तो एक ए यहाँ बच गया, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 9a³b²3b-5 है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसी के फोर्थ में आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ 2a, यहाँ पर है 3b। अब यहाँ से ना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पर भी x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पर भी x प्लस वाई दिख रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले 2 को देखो, क्या यहाँ पर 2 है, नहीं यहाँ पर भैया 3 है, यहाँ पर 2 है, अलग अलग नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग है। तो यहाँ पर ए है, क्या यहाँ पर ए है, नहीं यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए, ये भी अलग है। फिर हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई दिख रहा है और यहाँ पर भी x प्लस वाई दिख रहा है, दोनों में x प्लस वाई है, तो जो एक जैसा होता है ना उसी को हम लोग बाहर बुला लेते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वाई इस पूरे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया प्लस वाई, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2a, 2a हमने ले लिया, देखो x प्लस वाई हमने इससे बाहर लिया तो बचा क्या 2a, यहाँ पर माइनस, इससे भी x प्लस वाई हमने बाहर लिया था ना तो बचा क्या 3b, तो यहाँ पर आ गया 3b, तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई और यहाँ पर हो गया 2a माइनस हो गया हमारे पास 3b, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 पे आ जाओ, यहाँ पर है 2xp² + q² + 4yp² + q² है। अब फिर से इस पूरे में पहले तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। फिर देखा यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ये तो अलग अलग है, इनको तो ले नहीं सकते, तो इसको छोड़ दिया। यहाँ पर देखा पी स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इस पूरे से हमने पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ लिखा हमने पी स्क्वायर, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर, गॉट इट, इतना हो गया हमारे पास। अब आ जाओ इधर, अब जब हमने इसमें 2 को और इसको कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 को और इसको हमने कॉमन ले लिया, बाहर बुला लिया, तो क्या बच रहा हमारे पास, सिर्फ x, तो यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब देखो 2 से इसको कैंसिल करो, 2 × 2 = 4 होता है, बचा क्या हमारे पास 2, फिर क्या बचा हमारे पास y। अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को तो हमने बाहर बुला लिया था, तो हमारे पास क्या हो गया, 2p² + q² x + 2y हो गया, ये हो गया हमारे पास, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है इसमें लिखा हुआ है x, और यहाँ पर तो पहले तो इसमें हमने पूरे में ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर y है, कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा, बट इस ब्रैकेट में है a माइनस बी और इसमें है सॉरी 5 माइनस a है, a माइनस 5 है यहाँ पर और यहाँ पर है 5 माइनस a है, a भी है यहाँ पर भी है, 5 भी है यहाँ पर भी है, बट अलग क्या है, यहाँ पर जो a है हमारा प्लस का है और यहाँ पर जो a है वो माइनस का है, यहाँ पर 5 हमारे पास है माइनस का और यहाँ पर जो 5 है हमारे पास वो है हमारे पास प्लस का। अगर हमने इसको इसकी तरीके से बना दिया ना तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब बात आती है इसको इस तरीके से बनाएंगे कैसे, कैसे कॉमन ला सकते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले x लिखा है, इसको हमने x लिखा, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास a माइनस 5 आ गया, गॉट इट, प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, देखो अगर हम लोग इसमें से इस माइनस को कॉमन बाहर ले लें, क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा, प्लस से माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है, माइनस आ गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास वाई है, अब जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया है ना, तो हमारा जो ये 5 प्लस का है ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये हमारे पास जो प्लस माइनस का ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ रही होगी अभी बताते हैं। देखो अगर फिर से हम लोग माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
माइनस का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास भैया माइनस का प्लस का 5 और यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा। यही तो होगा हमारे पास, और कुछ तो नहीं होगा। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसको हम लोग सही से अरेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर है a माइनस 5, जैसे लिखा है वैसे लिखा, बीच में माइनस y हो गया। अब इसको लिखेंगे, देखो ये प्लस का ना, इसको पहले लिख दिया, ये माइनस का ये बाद में कर दिया, तो ये हो गया a माइनस 5। अब इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर a माइनस 5 और a माइनस 5 हमें एक जैसे लग रहे हैं, है ना, एक जैसे। तो इसको ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास x माइनस y आ गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया सॉल्व, क्लियर है सब कुछ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 पे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 7 है ना, इसको हमने सॉल्व कर दिया, बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हम आपको बता रहे हैं। देखो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कैमरे में, जिस वजह से ये अपने आप बंद हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता। तो इसको फिर से समझो। देखो हमने सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पर होल स्क्वायर लगा, हमने सबसे पहले नंबर को लिया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। ये दो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, हमें पता है भैया ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं इस पर, यहाँ लिखा है a प्लस बी, यहाँ पर भी लिखा है a प्लस बी, बट यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है। तो हमने बताया ना, अगर सेम है तो वो लेंगे जिसकी पावर कम है, इसमें पावर कम है तो इसको हमने बाहर बुला लिया। अब इस पूरे में से 2a प्लस बी बाहर आ गया है, तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बचा गया 2, 2 2 जा होता है 4, तो यहाँ पर 2 आ गया हमारे पास। अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब इसमें आ जाओ, 2 3 जा 6 होता है, 3 आ गया। अब यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ना, तो स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, a प्लस बी बच गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या किया हमने, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 3a और यहाँ पर हो गया माइनस 3b। अब यहाँ पर माइनस कैसे आया, देखो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाता है, सॉरी ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। समझ में आ गया। अब आ जाओ 8 में, यहाँ पर क्वेश्चन 8 में भी 8 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 10। तो सबसे पहले देखो इन दोनों नंबर को हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता भैया ये भी 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा, कोई और ऐसा नंबर है नहीं जिसे ये लोग जा सके कट सके, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। फिर हमने देखा यहाँ पे लिखा है 3a माइनस 2b, यहाँ पर भी 3a माइनस 2b है, बट यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है। अब जिसकी पावर कम है उसी को हमने बाहर बुला लिया, तो यहाँ पर कर दिया 3a माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर 2b ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब 2 से इसे कैंसिल कर, 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3a माइनस कर दिया हमने 2b, ये आ गया ब्रैकेट में, ओके। अब यहाँ पर हम माइनस लिखा है तो हमने माइनस कर दिया, और फिर हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर मिल गया है 5, क्लियर है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3a माइनस 2b और यहाँ पर भी है 3a माइनस 2b, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा हमारा, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ पर है हमारे पास 2 लिख दो, और यहाँ पर है हमारे पास 3a माइनस हमने कर दिया 2b, ये आ गया। अब देखो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा हो गया 12a, माइनस हो गया 4 2 जा 8b, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 5, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर है x और यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पर है x प्लस हमारे पास y है, ठीक है। चलो इसको एक ब्रैकेट में पहले तो हम लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x है, और इसमें क्या है 3 है, और यहाँ पर है x स्क्वायर। हमने देखा कि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो इसमें से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x जो है ना इसमें पावर कम है, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ पर भी x प्लस वाई है, इन दोनों में से देखो किस में पावर कम है, इसमें कम है ना, इसको बाहर ले लो, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई ले लिया, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, जब हमने x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा। अब इसको देखो, इसमें x की पावर 3 है और इसमें x की पावर 1 है, तो एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पर बच गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, प्लस कर दो, यहाँ पर क्या है 3 है, 3 कर दो, यहाँ पर हमने एक x को बाहर ले लिया है ना, और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर एक x बचेगा और साथ में y,
और फिर यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचेगा, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसको लिख देते हैं फिर से, x हो गया और फिर आ गया हमारे पास x प्लस वाई हो गया एक ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है x प्लस वाई और यहाँ पर होल स्क्वायर है। इसको हम यहाँ पर लिख दें, अगर हम इसको यहाँ पर लिख दें a प्लस बी और कर दें होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर लिखा हमने ए स्क्वायर प्लस, यहाँ कर दिया हमने बी स्क्वायर और प्लस कर दिया हमने 2ab कर दिया, ये हो गया ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारे पास हो गया यहाँ पर 2ab, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर ना, इसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, इसको अप्लाई कर दो इस फॉर्मूले में ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab हो गया, ए बी की जगह पे आएगा एक्स वाई, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमसे ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर क्वेश्चन में है माइनस और हमने लगा रखा है प्लस, तो ये भी हमारा क्या होगा, माइनस का होगा ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3xy हो गया, 3xy कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर है x, यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और फिर हो गया हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हमें मिल जाएगा एक्स वाई ठीक है। देखो 2xy है, यहाँ पर है माइनस का 3xy, तो 2xy में 3xy कैंसिल कर दो तो xy सिर्फ बचेगा, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा बहुत सिंपल है, इसको कैसे करोगे वो देखो, यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब और यहाँ पर है 2x स्क्वायर, यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 10, इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इसमें से हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे, बट यहाँ पर क्यूब है यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर को लेंगे क्योंकि ये कम है इससे, ये 3 है ये 2 है, तो हमेशा कम वाले को कॉमन लेते हैं, ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास x, क्योंकि x की पावर 2 को कॉमन लिया है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर x बच गया, बीच में है प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, तो ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर प्लस हो गया। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी होगा, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। अंदर बचा हमारे पास x, और यहाँ पर 5 2 जा होता है 10, तो यहाँ पर आ गया 2 ठीक है। अब देखो यहाँ पर x प्लस 2 दोनों में है, इस पूरे को ध्यान से देखो, इसमें x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, इन दोनों में से x प्लस 2 को बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। अब x प्लस 2 को जो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 5 बचा, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दो, तो x स्क्वायर कर दिया हमने प्लस 5 कर दिया। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर, है ना कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास 11 का। अब क्वेश्चन जो 11 है ना, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या एक्स वाई है, तो अगर हमने इसको देखा और देख के ही समझ में आ गया कि इन दोनों को अगर एक में कर देते हैं फिर हम लोग अगर कॉमन लेंगे तो हमें एक्स कॉमन मिल जाएगा ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि लिखा हुआ है 2xz और यहाँ पर है 2yz है, तो हमने देखा यहाँ पर 2z और 2oz एक जैसा है, अगर इसको हम लोग एक जैसा कर दें एक ब्रैकेट में फिर हम लोग कॉमन ले लें तो हमें कॉमन इजिली मिल जाएगा, ये बात समझ में आ गई ना। हमें ना कैसे भी करके कॉमन लेना है, बस कैसे भी कर दे। अगर मान लो इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा ना, तो अगर इन दोनों में से आ रहा है कॉमन तो इन दोनों को एक में कर दो और इसको एक में कर दो, ऐसे भी करके हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, गॉट इट। तो हमने देखा इसमें से आ सकता है कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी, तो हमने एक्स को बाहर बुला लिया, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर पावर 1 है, तो भैया जो कम होता है उसको लेते हैं। अंदर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक बुला लिया तो एक बचा है ना एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास वाई, यहाँ पर माइनस। सबसे पहले हम लोग माइनस को भी कॉमन लेंगे, माइनस बाहर किया और यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 को बाहर ले लिया, यहाँ पर जेड है यहाँ पर भी जेड है तो जेड भी हमने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, देखो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर 2 भी हमारे पास कॉमन आ गया, जेड भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा गया सिर्फ एक्स, तो एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमारे पास माइनस कॉमन हो गया है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास वाई, ये आ गया। देखो 2 कॉमन आ गया है और जेड कॉमन आ गया, और जब कभी भी माइनस बाहर हो, अंदर जो भी साइन होता है ना वो बदल जाता है। अगर यहाँ पर प्लस होता ना तो माइनस हो जाता, यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया? अगर माइनस भी कॉमन आ रहा है साथ में कुछ इस तरीके से, तो अंदर वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई आ गया। अब इस पूरे में से हम लोग एक्स प्लस वाई को कॉमन बाहर बुला लेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हमने कॉमन कर दिया। जब x प्लस वाई को कॉमन किया तो अंदर बचा हमारे पास x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस टू जेड, यहाँ कर दिया x, माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर टू जेड हो गया एक ब्रैकेट में। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, x प्लस वाई एक्स माइनस टू जेड। अब इसमें 12 में आ जाओ। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से इसको देखो और इन दोनों को देखो। इसमें हमने देखा कि a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो मतलब a b को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये भी b है, यहाँ भी b है, तो इसका मतलब हम लोग 5b को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a, यहाँ पर लिख लिया हमने b। अब देखो a की पावर किस में कम है, 2 में कम है, तो 2 को बाहर बुला लिया। इसमें देखो b में तो भैया पावर एक जैसी, तो b को b लिखो। यहाँ में 3 है, हमने 2 को निकाल लिया बाहर, तो 1 बचा, यहाँ लिख दिया हमने b, तो आ गया है, कुछ नहीं होगा, बीच में माइनस। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर आ गया और b बाहर आ गया, तो ये मतलब पूरा ही बाहर आ चुका है। जब ये पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। इसमें आ जाओ, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दिया हमने। यहाँ हमने देखा कि दोनों में 5 है, तो 5 को बाहर कर लिया, दोनों में b है तो b को बाहर कर लिया। अंदर क्या बच रहा हमारे पास, यहाँ पर बचा a और यहाँ पर बच रहा माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया ना, तो इसके आगे हमारे पास प्लस है। अगर इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर भी माइनस होता, तो ये वाला जो साइन दिख रहा ना, ये बदल के प्लस बन जाता। ये चीज़ हमेशा याद रखो, यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पूरे को देखो, इस पूरे में से हमने देखा a माइनस भी यहाँ पर है, a माइनस वन है, तो a माइनस वन को हमने कॉमन ले लिया। a माइनस वन को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा हमारे पास, a स्क्वायर बी, और फिर यहाँ क्या बचा, प्लस 5b, यहाँ बचा 5b बस। और यही आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास a माइनस बी, और यहाँ पर है a स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस 5a। अगर आप चाहते हो तो इसमें से भी हम लोग b को कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने a माइनस 1, क्योंकि अभी भी इसमें कॉमन b आ रहा है, तो हमने b को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसमें एक काम और हो सकता, यहाँ पर आपको b दिख रहा ना, इस b को आप आगे लिख सकते हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे कि ये b है ना, इसके आगे एक सोल्यूशन इधर कर रहे हैं, इसको सबसे पहले लिखो, फिर लिखा हमने a माइनस 1, और फिर हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर कर दिया प्लस b कर दिया, ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक भी कर दोगे तो भी कोई भी गलत नहीं होगा और कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम लोग एक ब्रैकेट में कर दें तो कॉमन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दें तो कॉमन मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर हमने कॉमन क्या ले सकते हैं, ये 8 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों हमारे डिविजिबल हैं। किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो किस नंबर को ले, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ तो a है नहीं, यहाँ पर सिर्फ a है, तो हम लोग a को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में होना चाहिए तभी हम लोग कॉमन लेंगे। तो हमने 4 को जब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 टू ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया, 4 वन ज़ा 4, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, सॉरी a आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। देखो जब 4 को हमने बाहर बुला लिया तो a बचेगा ना, तो a आ गया। अब इसमें देखो, इस पूरे में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर कुछ नहीं, तो 2 को नहीं ले सकते। यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो हमने a को कॉमन लिया। इन दोनों में पावर किसी कम है, 3 वाले की, तो 3 को भी कॉमन ले लिया, ठीक है, a की पावर 3 कॉमन ले लिया। जब माइनस a की पावर 3 या फिर बोलो a क्यूब को हमने बाहर बुलाया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2, और जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन आता है ना, तो जनाब अंदर का जो साइन होता है ना वो बदल जाता है। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर a की पावर 3 हमने कॉमन ली है, यहाँ पर a की पावर 4 है, तो सिर्फ एक a बच रहा, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस पूरे को देखो,
इसमें से हम लोग 2 - a को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये 2 - a है ना, ये दोनों में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 - a³ हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आया है हमारे पास 2 - a और यहाँ पर है 4 - a³। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन 14 में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन 14 में भी हम लोग कुछ करेंगे क्या, इसको देखो और इसको देखो, क्या कॉमन आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग अरेंज करेंगे। हमने देखा यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल कॉमन मिलेगा, तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें पावर कम है, जो कम होता है उसी को हमेशा बाहर बुला लेते हैं। ये बाहर आ गए तो अंदर देखो, x की पावर 3 थी, जब एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। यहाँ पर माइनस है, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 और वाई बचा, ब्रैकेट में आ जाओ। बीच में प्लस लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, ये दोनों किस से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 को कॉमन ले लिया। और साथ में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स, यहाँ पर एक्स है नहीं, यहाँ पर वाई है, बट यहाँ पर वाई की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग यहाँ पर ना 3 तो लिया ही है, साथ में वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास एक्स माइनस वाई बचेगा, वो भी 2y बचेगा। यहाँ पर क्या हो गया, 2y, क्योंकि 3 2 6 होता है, 2 आ गया। वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, यहाँ पर वाई क्यूब है, तो 1y यहाँ पर बच गया, ये हो गया। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 2y, यहाँ पर x माइनस 2y दिख रहा है, तो यहाँ पर x माइनस 2y को हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास 3y स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो आंसर जो हमारे पास आया वो है x माइनस 2y और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 दिख रहा है ना, ये px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिखा है? अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं। इन दोनों की बात करें तो क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है हमें कुछ कॉमन। जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो इन दोनों को हम लोग एक जैसा नहीं कर पाएंगे, एक ब्रैकेट में नहीं करेंगे, तो फिर क्या करें? तो अगर हम लोग पी एक्स और क्यू एक्स को एक साथ लिख दें, इन दोनों को एक साथ कर दें, यहाँ पर लिखा हमने पी एक्स और यहाँ कर दिया प्लस, इसके आगे प्लस लिखा है ना, तो प्लस लिखा, यहाँ कर दिया पी क्यू लिख दिया, तो अगर देख पाओ तो इन दोनों में से हम लोग P को कॉमन ले सकते हैं, है ना, ठीक है। और इन दोनों को हमने एक साथ किया तो ये दोनों भी हमारे एक साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पर हमारे पास 5q, और ये हो गया हमारे पास माइनस 5x हो गया। इन दोनों में से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्या करो, इन दोनों में कॉमन लो, क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर है हमारे पास पी, पी कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया एक्स प्लस यहाँ पर क्यू। देखो इन दोनों में से पी बाहर बुला लिया तो बचा क्या, अंदर एक्स और क्यू बचा, लिख दिया। यहाँ पर माइनस हमने इस पूरे से कॉमन ले लिया, पूरे से कॉमन लिया तो भैया, और साथ में क्या आ जाएगा, 5 भी तो आएगा, तो 5 कॉमन ले लिया। जब माइनस 5 अंदर कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया क्यू, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पर माइनस कॉमन आया तो अंदर का जो साइन होगा ना वो बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस, और फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पर एक्स प्लस क्यू है, यहाँ पर क्यू प्लस एक्स है, देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, दोनों ही हमारे प्लस के हैं, तो कन्फ्यूज मत हो, ये समझो एक जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने पी और यहाँ पर हो गया माइनस 5, एक ब्रैकेट में कर दिया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको पहले लिख दो, है ना, इसको यहाँ ना लिखो, इसके बाद लिख दो, बस दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं है, बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन 16 में। देखो आधे क्वेश्चन तो निपट गए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब देखो फिर से अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, और इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स है, है ना, इन दोनों में से तो आ जाएगा, मगर इन दोनों में से नहीं आएगा, तो हमारा काम कैसे बनेगा?
अगर हम लोग इसको और इसको एक साथ लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दें और यहाँ पर है प्लस वाई, और माइनस एक्स वाई को एक साथ कर दें, तो देखो इसमें से एक्स कॉमन और इसमें से वाई कॉमन हमें मिल जाएगा। तो हमने इसमें से एक्स कॉमन लिया और यहाँ पर आ गया एक्स माइनस वन आ गया। इसमें से हमने प्लस वाई को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया वन माइनस एक्स आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ठीक है चलो। बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर है एक्स माइनस वन और यहाँ पर है हमारे पास वन माइनस एक्स, अलग अलग है। अब कहोगे अलग तो नहीं दिख रहा, ऊपर वाले में तो भैया एक जैसा बता रहे थे। हाँ बता रहे थे, देखो यहाँ पर जो वन है ना ये माइनस का है और यहाँ पर जो वन है ना ये प्लस का है, यहाँ पर जो एक्स है ना ये हमारे पास प्लस का है और यहाँ पर जो एक्स है ये माइनस का है, ये डिफरेंस है इसमें। उसमें क्या था, उसमें तो दोनों सब प्लस के ही थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर दिक्कत आएगी क्योंकि इसके जो साइन है ना वो अलग अलग है। तो एक जैसा करने के लिए हमें यहाँ से ना माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस भी बाहर बुलाना पड़ेगा। जब हम लोग माइनस बाहर बुलाएंगे ना तो ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया एक्स, यहाँ पर कर दिया एक्स माइनस वन। अब हमने माइनस भी कॉमन लिया है तो माइनस, यहाँ पर हो गया वाई। अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर जो साइन है ना वो बदल जाएंगे, वन हमारा प्लस का था तो ये माइनस का वन हो जाएगा, ये हमारा माइनस का था ये हमारा प्लस का एक्स हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख दो, एक्स यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन, यहाँ पर हो गया माइनस वाई, ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन। अब देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना एक जैसे, तो इसको ना, अब इसको अगर ऐसे देखो आप, इसको ना कॉमन ले लो बाहर, बिल्कुल इधर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पर एक्स माइनस वाई है ना तो इसको हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई कर दिया दूसरे ब्रैकेट में, और यही आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन, एक्स माइनस वन और x माइनस वाई। यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो 17 है ना इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, बट यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान से कॉमन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3a माइनस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 6a प्लस 2। इसको ना हम लोग सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारे पास हो गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इजिली हम लोग बिना इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है 3a, यहां लिख दिया हमने 3a माइनस 1 और यहां कर दिया होल स्क्वायर, यहां पर माइनस है माइनस लिखा। इन दोनों में से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं भैया 2 को, 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो 2 को कॉमन ले लिया, 2 से इसे कैंसिल करो, 2 3 जा 6, यहां पर आ गया हमारे पास a हो गया। यहाँ हमने माइनस कॉमन ले रखा है ना तो अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 हमने कॉमन ले ही लिया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1। अब देखो 3a माइनस 1 3a माइनस 1 दिख रहा है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर ना स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो जहाँ पर भैया पावर कम होती है उसी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब इस पूरे में से हम लोग कॉमन ले रहे हैं 3a माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर अंदर हमारे पास बच रहा है भैया 3a माइनस 1 और यहाँ पर बच रहा है माइनस का 2, ये बच रहा है हमारे पास, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3a, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके ये हो गया हमारे पास 3a, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3a, यहाँ कर दिया हमने माइनस 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 2, ये कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पर लिखा हमने 3a माइनस 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3a, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमारा साइन माइनस का रहेगा, यहाँ पर 3, ये हो गया। बट इसमें से भी हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम लोग 3 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर है 3a माइनस 1 जो है वही रहेगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास a माइनस 1 हो गया, ये हो गया, गॉट इट। अब देखो इस 3 को आगे भेज दो, ये हो गया 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3a माइनस 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस 1 हो गया। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन, समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन सारे इजी हैं बट आपको कॉमन लेना भैया सीखना पड़ेगा, कॉमन लेके करोगे हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही भैया आप परफेक्ट बनते जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, अब आ जाओ क्वेश्चन 18 पर। यहाँ पर दिया गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। अच्छा ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 17 की तरह ही हमको दिख रहा है,
यहाँ पर लिखा हुआ है 2x लिख देते हैं, माइनस 3 है, यहाँ पर है होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ हमें 4 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हमने 4 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 2x। अब देखो हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 4 जो 12 होता है, यहाँ पर आ गया 3। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे को, ठीक है, इनमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 को, क्योंकि ये पूरा हमें यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ लिखा 2x, यहाँ कर दिया माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, यहाँ कर दिया हमने 2x, और यहाँ कर दिया हमने माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 4। देखो इसको फिर से समझो, यहाँ पर 2x माइनस 3 है और इसमें पावर 2 लगी हुई है, यहाँ पर 2x माइनस 3 इसकी पावर कुछ नहीं है, जिसमें पावर नहीं होती उसी को हम लोग कॉमन लेते ना, तो हमने कॉमन ले लिया। अब जब इसमें पावर 2 है, एक आ गया तो अंदर एक पूरा बचेगा ना, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसमें से भी ये कॉमन आया था ना, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 4, यहाँ पर 4 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ पर लिखा हमने 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हमने कर दिया 2x माइनस 3, और यहाँ पर माइनस है ना, ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर माइनस 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, यहाँ पर हो गया माइनस 3, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x माइनस का 7, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर, है ना, कितना ईजी। तो क्वेश्चन 18 हमारा सॉल्व, अब आ जाओ 19 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a, ये दिख रहा है। अब इन चारों में से सोचो किसको पेयर बना दें ताकि हमें कॉमन मिल जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी से भी आसान हलवा क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज ही हलवा है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी से भी आसान लगने लगेगी आपको ये एक्सरसाइज। तो यहाँ लिखा है a क्यूब प्लस a है, अगर हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले लें और इसमें से कुछ कॉमन ले लें, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a स्क्वायर है, इसको एक साथ कर दें तो भी हमारा काम बन सकता है, इन दोनों को एक साथ कर दें और इन दोनों को एक साथ कर दें, हो जाएगा हमारा काम। चलो करके देखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, हमने a क्यूब लिखा और यहाँ कर दिया हमने माइनस 3a स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने प्लस a, और यहाँ कर दिया माइनस का 3। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ इन दोनों में से एक स्क्वायर कॉमन आ सकता है, क्योंकि a क्यूब यहाँ पर, स्क्वायर यहाँ पर, जिसकी पावर कम होती वही हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस 3, यहाँ पर कर दिया प्लस, इसमें से हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस, हम माइनस 3। देखो हमेशा याद रखो, जब कभी भी कॉमन ना दिखे तो आप 1 कॉमन ले लो, हमेशा 1 ले लो, कॉमन ना दिखे 1 ले लो बस, और जो ऊपर लिखा हो वही लिख दो ब्रैकेट के अंदर, बस काम हो जाएगा। अब देखो a माइनस 3 यहाँ पर भी, a माइनस 3 यहाँ पर भी, तो a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये आ गया, और यही हो सकता है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये इसका आंसर है, a माइनस b, a माइनस 3 और a स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन 19 सॉल्व। कितना ईजी क्वेश्चन, हलवा है एकदम। अब 20 पे आ जाओ, यहाँ पर है 3ax 6ay 8by और 4bx है। अब बताओ इसमें ना किसको पेयर बनाएं और किसको पेयर ना बनाएं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर लें ये बताओ। ओके, अगर हम लोग इसको लिख दें 3ax है, ठीक है, अगर हम लोग पेयर ना ही बनाएं और डायरेक्ट इसमें से ही कॉमन ले लें, काम बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 3 3 ये भी कॉमन आएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास 6 है, ये 3 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, तो देखो यहाँ पर हमने देखो 3 को कॉमन लिया, क्योंकि ये 3 से ये दोनों डिविजिबल है और a भी दोनों में है, तो हमने a को भी कॉमन ले लिया। अंदर बचा हमारे पास x माइनस y बचा, और y नहीं बचेगा, 2y बचेगा, क्योंकि 3 टू जा होता है 6, तो यहाँ पर 2y हो गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 से दोनों डिविजिबल हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b, क्योंकि दोनों में भी b हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास b। अब देखो यहाँ पर y है, y लिख दिया, ठीक है, वो भी आएगा यहाँ पर 2y हमने लिख दिया, गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 8by है, ओके, इसमें हम लोग चेंजमेंट कर सकते थे, इसको आगे लिख देते, इसको पीछे कर देते, तो हमारे पास काम बन जाता ये हमारा, है ना,
ओके, इसको ना अभी कॉमन ना लेके हम लोग आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि कॉमन लेंगे ना तो इसकी तरीके से नहीं आ पाएगा। जब हम लोग इसको आगे पीछे लिख देंगे ना तो हमारा सेम कॉमन आएगा, जो कि यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस फोर बी एक्स पहले लिख दिया, और फिर हमने लिख दिया माइनस एट बी वाई लिख दिया, ये कर दिया हमने। अभी यहाँ पर लिखा हमने थ्री ए, और यहाँ कर दिया हमने एक्स माइनस टू वाई, और इन दोनों में से अब कॉमन लो। देखो ये भी फोर है, ये एट है, ये दोनों फोर से डिविजिबल हैं, तो हमने प्लस फोर कॉमन ले लिया। साथ में यहाँ पर बी दोनों में है, तो हमने बी भी ले लिया। अंदर बचा हमारे पास एक्स माइनस फोर, टू ज़ा एट होता है, टू हो गया। बी बाहर आ गया, बचा गया सिर्फ वाई, ये आ गया। तो एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई हो गया। इसको लिख दिया हमने यहाँ पर एक्स माइनस, यहाँ पर हो गया टू वाई हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास थ्री ए प्लस फोर वाई हो गया, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का आंसर। एक्स माइनस, सॉरी, यहाँ पर एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, और यहाँ पर है थ्री ए प्लस फोर बी हो गया। क्वेश्चन 20 सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन 21। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत ईजी है। अब ये क्वेश्चन ना दो लाइन में सॉल्व होगा, दो लाइन में। देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, और इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ए इधर है, ए इधर है, तो ए को कॉमन ले लिया। अब ए की पावर यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, तो वही लेंगे भैया जिसमें कम है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर ए एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पर अंदर क्या बचा भैया? सिर्फ बी बचा, और बी के साथ एक्स बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ एक्स को कॉमन लिया हुआ है। दो है, एक बाहर बुला लिया तो एक अंदर बचा, बीच में प्लस हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए लिख दिया, और यहाँ पर हो गया ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर हो गया बी एक्स प्लस ए हो गया, यहाँ पर प्लस लिख दिया। इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, तो बी को बाहर कॉमन ले लो। अंदर बचेगा हमारे पास बी एक्स, और यहाँ पर बचेगा प्लस ए, ये हो गया। अब ये हमारे पास देखो ना, इसको अगर ध्यान से देखोगे आप तो बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए एक जैसे, इसको पूरा कॉमन ले लो। जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बी एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? ए एक्स और प्लस बी, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ए एक्स यहाँ पर हो गया प्लस बी, एक ब्रैकेट में सॉल्व हो गया। दो ही लाइन में हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब इससे आसान क्या लोगे भाई, क्या ले सकते हो बताओ? इससे आसान क्वेश्चन आएंगे कि दो लाइन में सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन 22 पे आ जाओ। यहाँ पर लिखा है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन, ये क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सोचो। देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्या एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास कॉमन। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? एक्स माइनस वन बच गया, ठीक है। अब देखो इस पूरे में से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं ए एक्स हो गया हमारे पास, इसको इसके बगल में कर देते हैं माइनस ए लिख दिया, अरेंज करके लिख रहे, और फिर यहाँ पर कर दिया प्लस एक्स, और यहाँ पर कर दिया हमने माइनस वन, ऐसे हमने लिख दिया। अब बताओ इसमें हम लोग क्या करें ऐसा कि हमारा काम बन जाए, क्या करें भाई? देखो इसको तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इसमें तो कुछ होना नहीं अभी फ़िलहाल। इसको लिखा हमने x माइनस वन, यहाँ कर दिया प्लस। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे क्या? a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा गया x माइनस वन बच गया। अब इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग प्लस करके x माइनस वन a की लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये बचा। अब ना हम लोग क्या करेंगे कि ओके, अगर हम लोग ध्यान से देखें इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन तीनों में है, तो x माइनस वन को हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया वन। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर प्लस ए है, तो यहाँ पर प्लस ए कर दिया। और जब इसमें से हमने कॉमन एक्स माइनस वन लिया ना, तो क्या बचा? सिर्फ वन बचा, तो यहाँ पर हमने वन कर दिया, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका। ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट करके भैया पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैसेज कर दो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया सॉल्व, आंसर है x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन हो गया। चलो इस पर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 8x माइनस वन है।
अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को एक जैसा कर दोगे, एक में कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो भैया टू कॉमन मिल जाएगा, और फिर इसमें से आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो वन ही कॉमन आएगा, तो ये हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अरेंज करना पड़ेगा, इसको इसके साथ कर दो और इसको इसके साथ कर दो, फिर कॉमन लो। यहाँ पे लिखा हमने 2x माइनस लिखा हमने 8xy और फिर हमने लिख दिया प्लस 4y और यहाँ कर दिया हमने माइनस 1। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं, 2x हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 माइनस 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास y, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4y। देखो यहाँ ना माइनस लेना कॉमन क्यों ज़रूरी है, अगर हम लोग प्लस वन कॉमन लेंगे, है ना, प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये प्लस का 4y आएगा, बट यहाँ पर क्या है, माइनस का 4y है, किसका है, माइनस का 4y, इसलिए हम लोग माइनस वन को कॉमन लेंगे ताकि ये भी हमारा माइनस हो जाए, ठीक है। देखो जब कभी भी माइनस कॉमन लेते ना तो अंदर जो भी साइन होता है वो बदल जाता है, ये देखो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो हम लोग इसको पहले अरेंज करके लिखते हैं, 2x 1 माइनस 4y कर दिया और यहाँ पर आ गया माइनस 1 और ये हो गया हमारे पास 4y, माइनस का है ना, ये प्लस का है ना, इसको पहले लिखो, ये माइनस का 4y यहाँ पर लिख दो, ये आ गया। अब ये एक जैसा दिख रहा है ना, इसे एक ब्रैकेट में कर दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 माइनस 4y हो गया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लिख दिया हमने 2x, यहाँ कर दिया हमने माइनस 1 कर दिया। देखो यहाँ पर 1 माइनस 4y 2x माइनस 1 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन, क्लियर है, क्वेश्चन 23 हमारा सॉल्व। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 24। अब इसको देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है भैया, ये है हमारे पास ए बी और यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सोचो और बताओ भैया क्या करें, कैसे कॉमन, कैसे क्या करें, कैसे सॉल्व होगा, बताओ। बहुत सिंपल है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। पहले तो ए बी का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो और एक्स वाई का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो। ए बी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर में तो यहाँ मिलेगा आपको ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए बी, यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का इसमें करोगे तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स वाई, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अगर इन दोनों को ही आप साथ में रख के सॉल्व करके कॉमन लोगे फिर से यही आ जाएगा, हमको ये तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर, इसके साथ अगर हम लोग कुछ और लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, ओके, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर एक्स वाई, ये लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर एक्स वाई इसको साथ में लिख दें, और यहाँ पर है हमारे पास ए बी वाई है ना, ये ए बी वाई स्क्वायर इसको और इसको हम लोग साथ में कर दें। एक चीज़ हमने यहाँ पर गलत क्या किया पता है, जब हम लोग माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का आएगा, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा। चलो ये इसके साथ हम लोग ये रखते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमने लिख दिया, यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई और यहाँ कर दिया हमने ए स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी वाई स्क्वायर है ना, और यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा हमने माइनस एक्स वाई कर दिया बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का है प्लस ए बी, यहाँ हमने लिख दिया वाई स्क्वायर, क्लियर इतनी बात। अब इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, हमें यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर दिख रहा है, जिसकी पावर कम है उसे कॉमन ले लिया, इसमें बी दिख रहा है, यहाँ बी नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर ए एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी और यहाँ पर आ गया एक्स, माइनस कर दिया, यहाँ पर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर हमारे पास वाई है तो वाई हमने ले लिया और यहाँ पर है हमारे पास ए, तो हमारे पास आ गया बी एक्स और वाई, वाई ए आ गया, ठीक है। इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करो, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो वाई कॉमन आ जाएगा, इसकी पावर कम वो बाहर, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, तो बी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, एक्स और साथ में क्या बचा, बी बच गया, और फिर यहाँ पर देखो माइनस बाहर कॉमन है,
तो साइन अंदर का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास वाई और यहाँ पर होंगे हमारे पास ए। अब देखो यहाँ पर बी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर एक्स बी है, एक ही बात है, बी एक्स बोलो या एक्स बी बोलो एक ही बात है, माइनस वाई ए है, ये दोनों है ना एक जैसे, तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो। यहाँ पर कर दिया हमने बी एक्स माइनस वाई ए या फिर ए वाई कर दो, और फिर दूसरे ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दो। यहाँ पर आ गया हमारे पास ए एक्स माइनस वाई बी बोलो या फिर बी वाई बोलो एक ही बात है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन, है ना, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल है। अब 25 में आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी बी प्लस वन प्लस बी क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर जो ए बी दिख रहा है ना, ओके, इस ए बी का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमारा काम बन सकता है। तो चलो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ पर आ गया प्लस हमारे पास ए बी स्क्वायर, ये आ गया प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी, यहाँ कर दिया प्लस बी क्यूब हो गया, ये आ गया। अब हम लोग अगर इन दोनों में से कॉमन ले, कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ए कॉमन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर, ये बचेगा ना। अगर इसमें से लेंगे तो फिर हमारा काम बनेगा, अगर इसमें से अगर हम बी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर, हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे में लिख दो ए प्लस बी, बस हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 तीन लाइन में कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में, यहाँ पर है ए क्यूब प्लस ए बी ए माइनस टू ए माइनस टू बी स्क्वायर है, ये है हमारे पास। तो यहाँ लिखा हमने ए क्यूब प्लस कर दिया ए बी का वन में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया ए बी। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास टू ए स्क्वायर भी, ठीक है, और यहाँ पर हो गया माइनस टू बी स्क्वायर हो गया। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ हमने ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी आ गया। अब इसमें से हम लोग माइनस टू को कॉमन ले लेंगे और साथ में हम लोग बी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, और देखो जब हमने माइनस को कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो टू भी कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया, सिर्फ एक बी बचेगा, यहाँ पर आ गया बी, इन दोनों में एक ब्रैकेट में कर दिया, तो ए स्क्वायर हमने कर दिया प्लस बी कर दिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए माइनस टू बी, माइनस कर दिया टू बी, ये आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस टू बी आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो गया हमारा आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में, यहाँ पर है टू ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस टू ए बी माइनस ए सी। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो ना हमें इसमें कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, इन दोनों में से भी नहीं दिखेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ लिख दें और इन दोनों को एक साथ लिख दें तो हमें कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ टू है, यहाँ पर टू है, तो लिख दिया हमने टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस ए सी, और फिर इसके साथ में लिख दिया प्लस बी सी। इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर टू और ए हमें कॉमन दिख रहा है, जब हमने टू ए इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा, माइनस इसमें से टू ए को कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ बी बचेगा, इसमें से हमने माइनस सी को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास ए माइनस बी, ये बच गया। अब ए माइनस बी को एक ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ पर टू ए माइनस सी को दूसरे ब्रैकेट में कर दो, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। ए माइनस बी टू ए माइनस सी, क्वेश्चन 27 हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 28। यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग इसमें ना फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमारा काम बनेगा, बिना फॉर्मूले के शायद ये सॉल्व होगा ही नहीं। ओके, तो इसको देखो, इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस दिख रहा है ना बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है, और यहाँ पर है ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो गया। देखो
अगर ध्यान से देखोगे इसे, ये ए ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। ये ए ये बी, ए माइनस बी, ये माइनस है ना बीच में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लग रहा है। इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना है और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करना है। ए होगा इसमें हमारे पास ए एक्स, ये जो ए दिख रहा है ना ये हमारे पास ये पूरा है, जो ये बी दिख रहा है ना ये हमारे पास पूरा है। बस इस जगह पर लिखते चले जाओ, पहले क्या दिख रहा है ए स्क्वायर, ए एक्स की जगह पर लिख दो ए एक्स, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी वाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस कर दिया 2ab, 2 इंटू यहाँ हो गया हमारे पास ax इंटू यहाँ पर हो गया by, क्लियर हो गया। बीच में क्या है, प्लस लगा दो। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर है bx, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास bx, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, और प्लस हो गया यहाँ पर हमारे पास ay, ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस 2 ये हो गया हमारे पास bx, और यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटू ay, ये हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा, देखो ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसको हमने लिख दिया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा क्या लिखा हुआ है, टू ए एक्स बी वाई है, प्लस का यहाँ पर देखो टू बी एक्स ए वाई है ना, इसको हम और अच्छे से लिख दिया, पहले तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस टू ए एक्स बी वाई हो गया। अभी देखना ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस ए वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिखा है माइनस टू, यहाँ कर दिया हमने ए, यहाँ कर दिया वाई, यहाँ कर दिया बी, ये हो गया हमारे पास एक्स, अरे यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स, ये हो गया। देखो यहाँ पर टू है, टू है, ए है ए है, वाई है वाई है, बी है बी है, एक्स है एक्स है, और प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया, सब एक जैसे है, बस यहाँ पर साइन प्लस का यहाँ पर माइनस का, तो कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, ये और सिर्फ ये दो बचे हैं। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इसके साथ ये रख दें तब हमें कॉमन मिल जाएगा x, तो हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और साथ में हमने कर दिया प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर हमने कर दिया प्लस ए वाई नहीं नहीं ए स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों में से हम लोग वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने वाई स्क्वायर, यहाँ पर अंदर बचा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, साइन सेम है ना, दोनों प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस प्लस के हैं, तो इस पूरे में से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर, ये आंसर आ गया, बस इतना ही था, है ना इजी। बस हमें क्या करना पड़ा, फॉर्मूले पे रखना पड़ा। देखो यहाँ पर फॉर्मूले ना याद कर लो, इस पूरी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला का बहुत यूज़ मिलेगा, बहुत यूज़ मिलेगा, तो याद करते चलो। क्वेश्चन 29, जब कभी भी एक्सरसाइज लगाने बैठो ना, तो 5 मिनट के लिए भैया फॉर्मूले 5-10 बार पढ़ते चले जाओ, तो खुद ही याद हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है हमारे पास ए प्लस ए है ब्रैकेट में, हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ए इंटू बी मतलब ए बी, माइनस ए सी माइनस यहाँ पर हो गया बी सी, ये आ गया। अब देखो कॉमन किससे क्या लिया जा सकता है, अगर हम लोग इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ईजिली कॉमन हमें मिल जाएगा, बट इन दोनों में से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमें पहले अरेंज करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने ए स्क्वायर, इसके साथ लिख दिया हमने माइनस ए सी, इन दोनों में से हमें कॉमन मिल जाएगा, और साथ में ही हमने लिख दिया यहाँ पर ओके, यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस ए बी, और यहाँ कर दिया हमने माइनस बी सी लिख दिया,
ये कर दिया। अब इन दोनों में से हमने ए को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए माइनस सी। इन दोनों में से हमने बी को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए माइनस सी है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस सी कर दिया, दूसरे में हमने कर दिया ए प्लस बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन 29 हमारा हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन 30 पे। यहाँ पर क्वेश्चन जो 30 दिख रहा है ना, ये भी 29 की तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर जो ए है ना, ए का मल्टीप्लाई अंदर कर दो पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए सी, और यहाँ पर आ गया प्लस टू, यहाँ पर हो गया बी सी, ये आ गया। अब बताओ इसमें हम लोग किसको एक साथ रख दें ताकि हमें कॉमन ईजिली मिल जाए। अगर हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर दें तो हमें कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इसमें से हम लोग सी को कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम लोग ए को कॉमन ले लेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ए को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ बचा ए माइनस टू, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर माइनस हमने कर दिया सी, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये जो प्लस का है ना, ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2b, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a माइनस c हो गया, ये आ गया a माइनस 2b a माइनस c, ये आ गया हमारे पास, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन 30 हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसको देख लो। अब चार ही क्वेश्चन बचे हैं, वो भी अभी निपटा दे देंगे। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन 31। देखो क्वेश्चन 31 में हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट में है और एक्स प्लस ए है। ठीक है, चलो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एक्स है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया ए एक्स क्यूब, और यहाँ पर हो गया प्लस एक्स, और यहाँ पर हो गया प्लस ए हो गया, ये आ गया। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और इसमें से तो हम लोग कुछ नहीं ले पाएंगे। अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ए, और साथ में एक्स स्क्वायर कॉमन हमें मिल जाएगा। ओके, ये है एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा हमें ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स। ओके, ए भी है और यहाँ पर एक्स भी स्क्वायर ले लिया तो एक्स बचा। ठीक है, इसमें से हम लोग सिर्फ प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं। जब भी कॉमन कुछ ना दिखे ना तो वन कॉमन ले लो। यहाँ पर आ गया एक्स प्लस ए। देखो यहाँ पर एक्स प्लस ए लिखा है, यहाँ पर ए प्लस एक्स लिखा है, एक बात है, दोनों के आगे हमारे पास प्लस है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देंगे और फिर इसको और इसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में, ए एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिया हमने, प्लस वन कर दिया, ये आ गया हमारे पास ए प्लस एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस हमने यहाँ पर कर दिया वन। क्वेश्चन 31 हमारा सॉल्व। 32 में आ जाओ। यहाँ पर है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हमारे पास एक जैसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करो, पहले ए बी के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ गया ए बी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a x मतलब a स्क्वायर x प्लस एक्स बी स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब देखो इसको अरेंज ऐसा करो ताकि हम लोग कुछ कॉमन ले पाएँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर, ये लिख दो और इसको इसी के साथ में लिख दो, तो यहाँ पर आ गया प्लस ए स्क्वायर एक्स, ताकि हम लोग इन दोनों में से कॉमन ले सकें। यहाँ पर प्लस ए बी है, यहाँ पर ए बी कर दिया और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने एक्स बी स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है? अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे ए को और एक्स को, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास बी और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस, इसमें से हम लोगों ने एक ए को कॉमन ले लिया, सिर्फ एक ए बचा और एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ बी एक्स प्लस ए बचेगा। गॉट इट? अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ बी ले सकते हैं, बी कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए प्लस एक्स बी आ गया। अब देखो ए प्लस एक्स बी है या फिर बी एक्स प्लस ए बोलो, एक ही चीज़ है, इसे एक ब्रैकेट में कर दो। तो यहाँ पर कर दिया बी एक्स प्लस ए, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने ए एक्स प्लस बी, बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर। तो ए एक्स प्लस बी और बी एक्स प्लस ए, एक ही बात है, आगे पीछे भी लिख दो, पीछे आगे लिख दो, एक बात है। क्वेश्चन 33, एक्स स्क्वायर माइनस दिस
एक्स प्लस दिस। देखो सबसे पहले इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब जहाँ आपने प्लस बी एक्स किया ना, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भैया ब्रैकेट खुलेगा ना, तो इस माइनस का अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस। हमेशा इस बात का ख्याल रखना। ऊपर आ जाओ, यहाँ पर भी तो हमने x का मल्टीप्लाई किया था, तब क्यों नहीं ख्याल रखा था? क्योंकि यहाँ पर था प्लस, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर माइनस है ब्रैकेट के आगे ही, तो बहुत फर्क पड़ता है जब खुलता है ब्रैकेट, तो क्योंकि माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, इतना हमने सॉल्व किया, रिकॉर्ड फिर से नहीं हुआ, तो हम अभी फिर से बता देते। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास bx प्लस ax आ गया। इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस a। यहाँ से एक x बाहर निकाला, एक x अंदर बचा। इसमें से x को बाहर निकाला तो यहाँ पर a बच गया। इसमें से हमने b को बाहर बुलाया तो यहाँ पर बचा हमारे पास x। यहाँ पर देखो माइनस भी बाहर है ना, कॉमन है ना माइनस, तो अंदर हमारे पास जो भी साइन होगा वो बदल जाएगा। तो ये प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस a x, सॉरी x माइनस a और x माइनस a है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, और x माइनस b को हमने दूसरे ब्रैकेट में कर दिया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 34 है, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है ये भी, बट यहाँ पर देखो डिवाइड में दे दिया गया ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अगर हम लोग ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दें हम माइनस टू, और कर दें हम यहाँ पर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत आएगी नहीं ना? माइनस यहाँ कर दिया हमने, थ्री एक्स कर दिया, और यहाँ कर दिया प्लस थ्री बाई एक्स कर दिया। अब बताओ कोई दिक्कत? इसको बस हमने इधर ही तो किया है ना। चलो अब आगे देखो, अगर हम लोग इसमें ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत आएगी? जैसे कि हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया हमने टू, इंटू कर दिया हमने एक्स, और यहाँ कर दिया हमने इंटू वन अपॉन एक्स, और यहाँ कर दिया हमने प्लस, ये हो गया हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये हमने क्यों किया और कैसे किया अभी हम बताते हैं। इसमें से हम लोग ना माइनस थ्री को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स, ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? देखो अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो हमने ये कैसे बना दिया, हमने दिमाग में लगा दिया कि भैया यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, ये हमको कैसे दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर इसको इस फॉर्म में, मतलब इसके फॉर्मूले में अगर बनाएंगे ना, तो हमें ये मिल जाएगा, और जहाँ हमें ये मिलेगा ना, इस पूरे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का एक्स, सॉरी वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पर क्या है हमारे पास? थ्री, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, ये है। ठीक है, अब इस पूरे में से हम लोग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर हो गया माइनस थ्री, और यही आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया? आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा है ना, यहाँ से यहाँ कैसे बनाया? हमने यहाँ पर बस थोड़ा सा आगे के सोचने की कोशिश की। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, देखो इसमें लिखने से कुछ बदल नहीं गया। क्या नहीं बदल गया? अगर इससे इसको कैंसिल करोगे, फिर से यहाँ पर टू आ जाएगा, टू वन जो टू हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो वन का स्क्वायर मतलब वन, और एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर से यही बन जाएगा जो कि यहाँ पर है। बट ऐसा करने से ये हमारा बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको देखते ही हमने देखा कि इसमें से ये कॉमन लिया जा सकता था, और कॉमन ले लिया, और क्वेश्चन नंबर 34 हमारा सॉल्व हो गया। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 3A थी ना, ये पूरी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज चाहिए, तो आप सबसे पहले इस वीडियो में 100 लाइक कर दो। आप जहाँ 100 लाइक करोगे ना, उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन कितने भी हों, 40 हो, 50 हो, 100 हो, एक ही वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, वीडियो ज़रूर बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जब आप 100 लाइक टारगेट कंप्लीट करा देंगे तब। ओके बाय।